कैसे करनी चाहिए, बोल दिया तो भक्ति करो, लेकिन भक्ति करनी कैसे चाहिए, तो उस दूसरे लाइन में भक्ति कैसे करनी चाहिए वो चीज बताए। बोले कथा सुनो तो ठाकुर की कथा सुनो, कीर्तन करना तो ठाकुर जी का कीर्तन करो, स्मरण करना तो ठाकुर जी का स्मरण करो, पूजा करना तो ठाकुर जी की पूजा करो, है इसलिए वंदना करना तो ठाकुर जी की चरण तो वंदना करो, है इसलिए स्मरण करना तो उनको चरणा तो स्मरण करो। बोले क्यों? बोले अभय और चरणा, भगवान की जो चरण है ना उसमें तीन चीज है। कितना चीज है? बोले ठाकुर जी चरण में क्या तीन चीज है? बोले अशोक, जहाँ शोक है, अभय, जहाँ पर भय है, मतलब ध्यान बिल्कुल नहीं है। ठाकुर जी के चरण में ये तीन चीज अशोक है, अभय और अमृत, ठाकुर जी ही चरण में हम कहते हैं ना ठाकुर जी के चरण को स्मरण करो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए, बोलते ना ठाकुर जी के चरण को चिंतन करो जीवन में। बोले क्यों? ठाकुर जी के चरण में है क्या चीज? बोले ठाकुर जी के चरण में 19 चिन्ह है। कितना चिन्ह है? 19 चिन्ह है। ठाकुर का चरण में जो चक्र है ना, अगर उसको आप याद करोगे जीवन में तुम्हारे जितने शत्रु अगर कोई हो तो सारे शत्रु विनाश होते। सबसे बड़े शत्रु कौन है? बाहर नहीं अंदर, हमारी अंदर है। वो कौन है? ये काम क्रोध लोभ मोह सभी शत्रु, इसलिए चक्र। अगर ठाकुर जी के चरण में कमल है, आप एक याद कर लो इसका जो विपत्ति आएगा ना स्मरण कर, पहले कमल है, करने से कमल से सुंदर खुशबू निकलता है और देखने में बड़ी सुंदर है। अगर कमल कोई स्मरण करेगा ना तुम्हारे जीवन में खुशबू खुशबू, तुम्हारे जीवन में खुशबू खुशबू निकलेगा, तुम्हारे जीवन बड़ा सुंदर बन जाएगा। ठाकुर जी के चरण में झंडा झंडा समझता पता था, अगर उसको कोई स्मरण करेगा ना सारा दुनिया में तुम्हारे जय जयकारा होगा, सारा दुनिया में तुम्हारे झंडा फैलता है ना, है ज्यादा झंडा काटते थे अगर उसको कोई स्मरण करेगा जीवन में तुम्हारे मंगल होगा, कभी जीवन में मंगल कभी नहीं आएगा। ठाकुर जी के चरण में जब जब है अगर उसको स्मरण करोगे, जिस भी घर में पैसा नहीं है, जिस घर में पैसा की कमी, अगर उसको स्मरण करोगे तो घर में माँ लक्ष्मी की खूब धर्म होगा, जिसको जो चीज की जरूरत है ना वो चीज ठाकुर को स्मरण करते रहना। ठाकुर जी के चरण में गदा है, अगर गदा को कोई स्मरण कर गया उसका क्या फायदा? बोले जितने शत्रु शत्रु को सोचा ना मार मार के भगा, अगर गदा का स्मरण करोगे तुम्हारे जीवन में जितने कोई शत्रु है आपत्ति विपत्ति है वो सारे आपत्ति विपत्ति तुम्हारे जीवन में हट जाने हैं। इसलिए ठाकुर जी के चरण में 19 चिन्ह, ठाकुर जी के चरण में हैं शंख चक्र और संख। अगर शंख का स्मरण करोगे ना, शंख का मतलब क्या? शंख का बजा दे जब दो जो दो पार्टी में जब लड़ाई हो जिसका जीत हो जाती है ना वो शंख बजा दे, वो शंख बजा दे। इसका मतलब अगर शंख को स्मरण करोगे तुम्हारे जीवन में जीतेगा, जीवन में तुम्हारे कभी कभी तुमने कभी कहीं हारोगे नहीं, कहीं भी किसी काम को जाओगे तुम्हारी हर सुबह तुम्हारे जीवन में विजय विजय होगा, है कभी तुम्हारी कहीं परास्त कहीं नहीं होगी, सब जगह में जाकर के तुम जीतोगे जीतोगे। इसलिए पुणे से जो चिन्ह है ना उसका अलग 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 अलग, राधा रानी के चरण में भी बढ़िया बढ़िया चिन्ह है, उनको सौभाग्य रेखा है। अगर जैसे उसको कोई स्मरण करोगे जीवन में सौभाग्य बन जाओगे, पति कभी तुम्हारे सामने मरेंगे नहीं कभी, उसमें अलग अलग सब बताया है। राधा जी के चरण क्या लगा, नित्यानंद प्रभु कृष्णा महाप्रभु, इसलिए आप कहते हैं ना ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो, करने से क्या होता है जीवन में जितने तुम्हारे दुख कष्ट है जीवन में जितने आपत्ति विपत्ति सब खत्म हो जाएगा ठाकुर जी की चरण का स्मरण करने से। इसलिए दूसरी लाइन में कहते हैं भगवान को भक्ति करे तो कर कैसे, फिर कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण भजन पाद सेवन यात्रे
हरी हरी बोल। 7 बज गया, 10 हो गए, 7:10 आज।